मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेक। भतीजे के प्यार में पागल हुई महिला ने अपने ही पति को जान से मारने की सुपारी दे डाली और सुपारी लेने वालों ने 30 दिसंबर को महिला के पति को गोली भी मार दिया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मगर पुलिस ने अब इस मामले में खुलासा करते हुए आरोपी महिला और उसके भतीजे सहित आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला उत्तर प्रदेश के इटावा का है, जहां 55 साल के मुकुट सिंह की तीसरी बीवी 35 साल की रीता देवी का दिल किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही भतीजे राकेश कुमार पर आ गया और दोनों के बीच में इश्क का दरिया बहने लगा। मगर इस बहते हुए दरिये में आग उस वक्त लग गई जब मुकुट सिंह को अपनी बीवी और भतीजे के बीच इश्कबाजी की जानकारी लग गई तो मुकुट सिंह ने इसका विरोध किया और इसी विरोध की वजह से मुकुट सिंह की पत्नी रीता देवी और भतीजे राकेश कुमार ने फिरोजाबाद के रहने वाले पूरन सिंह और राम नरेश को मुकुट सिंह की 1 लाख रुपए में हत्या करने का सौदा तय कर दिया और एडवांस में 30,000 रुपए भी दे दिए। और घर से बाहर घूमने के लिए मुकुट सिंह निकले ही थे तभी दो बाइक सवारों ने 30 दिसंबर को गोली मार दी थी। हालांकि इनका इलाज अस्पताल में अभी चल रहा है। मुकुट सिंह के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मुकुट सिंह की बीवी रीता देवी और भतीजे राकेश कुमार को हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया तो दोनों ने सच्चाई कबूल कर ली। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किया। देखिए, हमारे सिविल लाइन थाने में दिनांक 30/12/2022 को अंडरपास जो सिविल लाइन का है उस पर एक सुबह सुबह घटना हो गई थी, जिसमें एक मुकुट सिंह नाम के आदमी को दो गोली मारी गई थी तथा वो मोटरसाइकिल सवार बदमाश भाग गए थे। उसी घटने का खुलासा हमारी टीम द्वारा किया गया, हमारे वरिष्ठ अधिकारी एडीजी सर, आईजी सर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में जो अपराध अपराधियों पर कार्रवाई चल रही है उसी के मद्देनज़र जो टीम बनाई गई थी और हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सर्विलांस टीम और हमारी कोतवाली सिविल लाइन्स की जो टीम है उसने कार्य किया है तथा इसमें 3 लोग गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मजरूब है मुकुट सिंह, उसकी पत्नी इसमें शामिल थी, उनके प्रेम संबंध थे, उनके एक भतीजा जो लगता है राकेश, और उसने राकेश ने इसमें अपने जो फिरोजाबाद स्थित उसके कुछ अपने संबंध थे, रिश्तेदार थी, दूर की रिश्तेदारी थी, जिसमें पूरन नाम के आदमी को भी जो शूटर है गिरफ्तार किया गया है तथा उसका एक साथी और है जो राम नरेश जिसका नाम है उसको भी हमने वांछित बनाया है, वह भी वहीं है फिरोजाबाद का रहने वाला है तथा उसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर लेंगे। अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें एक तो उसमें मजरूब की पत्नी है, उसका भतीजा है तथा उसका जो एक शूटर है उसमें शामिल पूरन, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया है, कारतूस बरामद किया गया है तथा जिस गाड़ी से, जिस मोटरसाइकिल से घटना की गई थी वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। इस प्रकार से ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी 307 IPC की, जिसमें व्यक्ति जो मुकुट था, जो मजरूब था, उसको इलाज के बाद घर आ गया। हालांकि अभी भी वो उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लेकिन पहले से बेहतर है, आउट ऑफ डेंजर बताया जाता है, अनबेड है। और इस प्रकार से पुलिस ने, सिविल लाइन पुलिस ने, जनपद इटावा पुलिस ने एक महत्वपूर्ण घटना का खुलासा किया है। इस संबंध में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है तथा इस पर गैंगस्टर एक्ट की बहुत ही सख्त कार्रवाई भी की जाएगी तथा 14(1) के तहत इनकी प्रॉपर्टी भी कुर्क करने का प्रयास किया जाएगा। कितने रुपए शूटरों को दिए गए थे? इसमें जो अभी तक संज्ञानित किया गया है, हुआ है, उसमें ये मैंने पूछताछ से ये संज्ञान में आया है कि 1 लाख रुपए में ये मामला तय हुआ था, जिसमें 30,000 रुपए एडवांस दिया गया था, जिसको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया, उसको वर्कआउट किया है तथा निश्चित तौर से एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें मेरे द्वारा 15,000 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। क्या इन आरोपियों ऊपर पहले भी कोई अपराधी? एक इसमें जो पूरन है और उसमें एक आपराधिक इतिहास सामने आया है, बाकी जो और लोग हैं उनके पर भी आपराधिक इतिहास है जो शूटर के नाम से जाने जाते हैं जो है, लेकिन उनका भी और पता किया जा रहा है।